हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पटल भाजा। तो चलिए हम पटल को अच्छे तरीके से उसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लेते हैं और काट कर इसका हम कुछ न्यू स्टाइल में भाजा बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे तरीके से इसको धो लिया है और धोकर काट दिया है। और यहाँ देखिए, हम भाजा के लिए मसाला रेडी करेंगे। तो मैंने धनिया, मिर्चा और नमक, हल्दी, जीरा मिर्च सब डाल दिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन हमें अपने भाजा के अकॉर्डिंग चाहिए, आपको जितना लेना है ले लीजिए। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्स नहीं पड़े, ध्यान रहे। धीरे धीरे हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जब मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम भाजा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और हम इसे अब कढ़ाई में डालेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं एक एक पटल को अच्छे तरीके से बेसन में लपेट के और कढ़ाई में डाल रही हूँ। ध्यान रहे, हमारा बैटर जो है ज़्यादा थिक या ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भाजा बिगड़ जाएगा उससे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको एक तरफ से पलट देंगे और उसके बाद से दूसरी तरफ पकने देंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि ये हमारा पटल जो है कच्चा रहता है, तो इसलिए हमें इसे अच्छे से पकाना है। तो यहाँ देखिए, मैं कुछ देर लगा रही हूँ पकाने में। आप लोग भी देख लीजिए कुछ इस तरीके से। जब हमारा पटल जो है इस तरीके में से हो जाए ब्राउन कलर का, फिर हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। और इसी तरह हम अपने सारे पटल को जो है तल लेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। आप इसको मॉर्निंग में, लंच में या डिनर में किसी भी टाइम आप इसको खा सकते हैं। आप लोगों को ज़रूर ये पसंद आएगा। हमें सारे पटल ऐसे ही तल लेने हैं। आप लोगों को देखने में ये इतना सुंदर लग रहा होगा। आप लोग इसके किसी रोटी या चावल दाल किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, या फिर आप मूढ़ी के साथ इसको खा सकते हैं शाम के टाइम में। आप लोगों को जैसे भी अच्छा हो लगे। ओके, बाय।